रुपए का पहला इसमें था कि पार्टिसिपेशन सब जगह से आना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके अंदर जैसे मोहन भाई ने बोला कि आज जो 20-22 साल के बच्चे हैं क्रिप्टो में काम करते हैं, कोई सिखाने जाता नहीं है, बिल्कुल सही है। बट वहां पे दो चीज मैंने देखी, एक है जो मोहन भाई ने बताया कि रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आज अगर हम क्रिप्टो को हमारे कमोडिटी मार्केट से कंपेयर करें, दैट इज कंपेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज वहां पे आई डोंट थिंक के कोई रेगुलेटर है जो उसको मैनेज कर रहा आज की डेट में, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। सेकेंडली एक सबसे इंपॉर्टेंट है एड कैंपेन, तो ये एक्सचेंज को समझना चाहिए, ब्रोकर को समझना चाहिए। आई डोंट थिंक के एक्सचेंज इसको अच्छे से कर सकते हैं अच्छे। आज अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल जाए, चाहे आप यूट्यूब पे चल जाओ, फेसबुक पे चल जाओ, वहां पे मैंने पर्सनली देखे हैं कुछ 30-30 सेकंड के वीडियो बनते, आज मैंने ये क्रिप्टो खरीदा है और ये ऊपर आया और मैंने पैसा बना लिया है। तो वहां पे एक स्पेक्युलेटिव गया हुआ है। मैं डेफिनेटली आज जब हम लोग कमोडिटी में काम करते हैं, कोई भी एक्सचेंज में काम करते हैं, कोई भी एसेट क्लास में, देना कोर पार्टिसिपेशन के हेजर भी होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं, सब चीजें। बट जैसे मेरे भाई का पॉइंट है, वो पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे डिजिटल टारगेट था और उसको प्रॉपरली किया गया है। तो वही तरीका, आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोई गलत चीज बता रहे हैं, बट वहां पे हमको बताना कि व्हाई हेजिंग इज रिक्वायर्ड। आज मैंने काफी कॉर्पोरेट से जब हम लोग सेशंस लिए हैं इसके अंदर, उनको एडिबल ऑयल की बात बताता हूँ, एक अच्छी कंपनी है हैदराबाद बेस्ड की, जब हमने बोला सर हेज कर लीजिए, बोला नहीं, मेरे साथीदार बोलते हैं कि भाव तो बढ़ ही रहा है तो हेज क्यों कर रहे, क्योंकि जब आप 100 रुपए में लेते हो, 40 रुपए कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपको तो मिल ही रहा है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है कि कोई हेजिंग कल्चर नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है। आज 18 साल हो गया, उसके बाद भी अगर हम रिटर्न नहीं दिख पा रहे हैं, तो बिकॉज कि हम गलत डायरेक्शन में अभी तक हम लोग अप्रोच करें। जैसे मैंने मेरे पहले पार्ट में कहा भी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के पीछे भाग रहे। क्रिप्टो ने किसको टारगेट किया, जो इक्विटी में करते हैं उनको टारगेट किया गया, नहीं, उन्होंने नया ब्लड लेके आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक नया ब्लड कमोडिटी में नहीं आएगा, नया ब्लड एक ही तरह पे आ सकता है, या तो मार्केटिंग जैसे अभी हमने क्रिप्टो के केस में देखी है, या प्रोडक्ट नॉलेज जिसमें कॉर्पोरेट है, एसएमई है, ये आ सकते हैं। तो आई थिंक एक रिव्यू करने की जरूरत है स्ट्रेटजीज को और एक नए तरीके से मार्केटिंग। और मैं खास करके हिंदी में इसलिए करता हूँ क्योंकि कमोडिटी के एक सिंगल पार्ट एक बार और बोलना चाहूंगा। एक मेरे साथ लाइव इंसिडेंट हुआ था, वेलनेस करके एक मेडिकल चेन शॉप है, यहाँ पे मैं खड़ा था, एक मैडम आती है और शॉपकीपर से बोलती है कि सर एलम प्लीज। तो वो दुकानदार बोलता है एलम मतलब क्या, वो बोलता नहीं है मेरे पास। फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई वो फिटकरी मांग रही है, तो बोलता अच्छा अच्छा फिटकरी है हमारे पास। तो आप सोचिए कि आप दुकानदार के पास जाते हैं सर कार्डमम प्लीज, तो उसको पता ही नहीं कार्डमम होता क्या है। तो मैं एक्सचेंज से रिक्वेस्ट करता हूँ कमोडिटी को हिंदी रखिए ताकि गांव तक हम पहुंच पाए, क्योंकि गांव का जो बनिया बैठा है, गांव का जो किराने वाला बैठा है, उसको अगर हम लोग अगर ऐसे ना बताएंगे क्यूमिन दे दीजिए मेरे को, कोरिएंडर दे दीजिए, तो वो कोरिएंडर नहीं चाहता, वो धनिया जानता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, इसी में मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा और इसमें विपिन जी का भी कमेंट लूंगा, क्योंकि शायद इन्वेस्टर नेचर कह लीजिए, ह्यूमन नेचर कह लीजिए, कि इजी मनी चाहिए सब। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टूल निकल करके आया जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं बेसिकली जो आपके पूंजी स्कीम्स हैं। हमने हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कल्चर देखा, ऐसा एनवायरनमेंट देखा जहां पर पूंजी स्कीम्स आई, MLM आए, वो बहुत तेजी के साथ कामयाब, उसके लिए किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि एक रियल इन्वेस्टमेंट जो है, एक रियल बिजनेस जो है, उसको समझाने की जरूरत पड़ रही है। क्या यूं कह सकते हैं कि अच्छाई जो है उसको शायद बहुत लोग जा करके सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और बुराई जो है उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन होती है उसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये फॉर्मूला, ये शायद इन एग्रीकल्चर ट्रेड के बीच में भी शायद स्टिक बैठता है।